नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, RSM SSB की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल अपडेट सही है आप सभी के लिए। जो आपकी वैकेंसी निकली थी LDC कनिष्ठ सहायक भर्ती से संबंधित, RSM SSB ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है आज के दिनांक 19/11/2018 के दिन। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कौन सी जो विज्ञप्ति जारी हुई, और साथ ही में अपन देखेंगे जो LDC का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा, एंड जो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। एंड तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करेगा, और आप हमें जो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो आज की ये विज्ञप्ति है आज की दिनांक की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल प्रेस नोट जारी हो रखा है आज की दिनांक के अंदर 19/11/2018 के दिन। तो इसके अंदर बता रखा है कि जो आपकी ये वैकेंसी निकली थी LDC कनिष्ठ सहायक भर्ती, जिसका आपका एग्जाम हुआ था 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर, 16 सितंबर को आयोजित लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र है, इनकी जो आंसर की है उत्तर कुंजी जो वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। और आप में से काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके अगर डाउनलोड नहीं हुई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसकी जो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, पिछली बार इसकी लास्ट डेट थी 17 तारीख थी, फिर 17 से 20 तारीख बढ़ाया गया, एंड अब जो 20 है तो 20 तारीख से सीधा 6 दिन बढ़ा दिया गया है। तो आप इसके लिए अब जो 26 तारीख तक ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड दोस्त हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो SSO ID के जरिए ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, एंड जो ऑब्जेक्शन की लिंक है ओपन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है, अब आप जो 26 तारीख तक इसके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। आप देख सकते हैं आज तो 26 नवंबर 2018 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, वो भी रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करा दीजिएगा, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, कल आपके काफ़ी कमेंट आए थे कि जो ऑब्जेक्शन लिंक नहीं खुल रही है, तो डेट बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि जो इसका रिजल्ट है आपका कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है तो इसकी आप देख सकते हैं कि जो 26/11/2018 तक तो इसकी जो आपत्तियाँ मांगी जाएगी ऑनलाइन, ठीक है, फिर उनको निस्तारित किया जाएगा, एंड उनके बाद जो फिर से एक और आंसर की निकाली जाएगी, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये महीना तो पूरा ऐसे ही चला जाएगा, नवंबर का महीना पूरा चला जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको 7 और 6 दिसंबर के समथिंग जो इलेक्शन भी है राजस्थान विधानसभा के, तो उसके अंदर भी संभावना नहीं है। तो आपके दिसंबर के अंदर रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, तो दिसंबर के, वो भी 15 दिसंबर के बाद तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक दोस्तों। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा आपके 15 दिसंबर या दिसंबर महीने के अंदर कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो दिसंबर के अंदर तो नहीं होगा, ठीक दोस्तों, दिसंबर के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है जनवरी के अंदर होने की इसकी संभावनाएं बन रही है। तो जनवरी के अंदर इसका आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, और रिजल्ट है जो दिसंबर के अंदर आ सकता है, वो भी आपके चुनाव के बाद, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा आपका जो दिसंबर के अंदर आ जाएगा, एंड जो टाइपिंग टेस्ट आपकी जनवरी के अंदर हो जाएगी, ठीक दोस्तों। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी, और आप इस जो ये आंसर की है, जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है आंसर की से रिलेटेड, एंड जो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं जो RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एंड उसके अंदर जो प्रेस नोट वाला ऑप्शन है वहाँ पर देख सकते हैं आज की डेट के अंदर जो 19/11/2018 से संबंधित, आप देख सकते हैं आज की ही डेट है। तो जैसे ही आप इस लिंक ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आपको डिटेल्स में ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कल आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि जो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट निकल गई है क्या, तो निकली नहीं है दोस्तों, बढ़ा दी गई है। आज पहले 20 तारीख बढ़ाई गई थी, और अब सीधा 26 तारीख तक आप इसके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी, और रिजल्ट आपका दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा, एंड जो टाइपिंग की संभावना बन रही है आपकी जो जनवरी के अंदर हो सकती है, अगर जनवरी में नहीं हुई तो फरवरी के अंदर होगी, ठीक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, आपका कोई भी सवाल है सुझाव तो प्लीज़ कमेंट करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।